हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग गाइस? मेरे उम्मीद से बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो आप सब लोग का खाना पीना भी हो गया होगा और मैं बहुत दिन बाद वीडियो बना रही हूँ। पता है क्यों इतना दिन वीडियो नहीं बनाई थी? मैं बहुत दिनों के बाद आज घर आई हूँ हॉस्पिटल से। और आज नहीं आई हूँ, कल शाम को आई थी और पब्लिक ने मेरी बीमारी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। पता है क्यों? क्योंकि मेरे हाथ में बीगो लगा हुआ था, देख सकते हैं आप सब लोग कितने दाग हो गए मेरे हाथ में। मेरे हाथ में बीगो लगा हुआ था। तो गाइस, मैं वो अपने हस्बैंड को एक फ़ोटो सेंड कर रही थी इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम पे सेंड करने के बजाय वो स्टोरी लग गया। अब स्टोरी लगने के बाद उसका फ़ायदा उठाए हैं कुछ लोगों ने मेरी बीमारी का, ऐसा फ़ायदा उठाए हैं। देखो, मैं बहुत बीमार हूँ, मेरा हेल्प कीजिए और मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत है। तो गाइस, ऐसा मैं कभी नहीं की हूँ और ना ही करूँगी, ना ही सोची हूँ। ठीक है, मुझे आप लोग से प्यार मिलता है, मुझे यही बहुत है। और पब्लिक ने ऐसा फ़ायदा उठाया है, देखो उस पर गूगल पे कुछ डाल दिया है और लिखा है, अगर आप लोग मेरा हेल्प नहीं करोगे तो मैं ख़त्म हो जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मुझे पैसे की ज़रूरत है। पता नहीं क्या क्या गाइस, मुझे ना बहुत समझ से बाहर है। मैं ना बहुत सच में बीमार हूँ, लेकिन मुझे ऐसा करने से क्या फ़ायदा है? पब्लिक ने मेरा फ़ायदा उठाया है। तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं आप सब लोग से, ऐसा वीडियो मत बनाया करो और ना ही किसी का ऐसे मजाक उड़ाया करो। आप लोग मेरा मजाक उड़ा के अच्छा नहीं किए हैं। पता है मुझे वीडियो बनाने में इतनी वो नहीं है, मैं पूरी तरह से जब तक ठीक नहीं हो जाती मैं वीडियो नहीं बनाती। लेकिन क्या है ना, कल रात को जब से मैं देखी हूँ फेसबुक पे अपना ये बीगो वाला वीडियो, तब से मेरा दिमाग ना बहुत ख़राब हो गया है। मैं तो सोच रही थी रात में ही वीडियो बनाऊँ और जिसने बनाया है ना उसको समझ में आ जाए मैंने क्या किया है। पता है क्या बताऊंगा इस आप लोग को, अभी मैं दिखा रही हूँ मैं कितनी बीमार हूँ, कितना दबा लेके आई हूँ हॉस्पिटल से ला रही हूँ। देख सकते हैं पूरी गट्ठर ही आ गई है दबा की। हाँ, पहले मैं इतना सोती थी, रात में सोती, दिन में सोती, कोई बुलाता तो बहुत गुस्सा आता था और गुस्से में ना मैं खाना खाती थी, ना चाय पीती थी, ना उठती थी, इतना नींद आता था। और आज के डेट में मुझे पता है नींद नहीं आती है, आज के डेट में ये दवा खाना पड़ा मुझे, नींद की गोली। नींद नहीं आती मुझे, पता नहीं कैसी बीमारी लग गई है मुझे, दिखा रहे हैं आप लोग को। तो मेरे बीमारी का जो फायदा उठाए हो आप लोग ना गाइस, ये करना छोड़ दीजिए। अभी इतना है, इंजेक्शन लगेगा, अभी चार लगेगा, बाकी तो सब आ गया है, देख सकते हैं आप लोग। तो मेरे बीमारी का जो फायदा उठाए हो, कसम से बता रहे हैं ना, आपका खैर नहीं है। देख लीजिए आप सब लोग कितनी रिपोर्ट आई है मेरी, मुझे हुआ क्या है। देखिए ठीक से तो दिखाई ही नहीं दे रहा है, देख सकते हैं आप लोग। पूरे 2 हफ्ते से हम हॉस्पिटल में थे, दिख रहा होगा आप लोग को गाइस। पहले तो मैं ऐसे छोटे मोटे डॉक्टर से दवा लेके आती थी, तो इससे आराम नहीं मिल रहा था, तो मजबूर हो गई थी, पूरा हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा मुझे। पता है गाइस, मुझे तो ऐसा लग रहा था ना मेरा अब आखिरी दिन चल रहा है, अब मुझे लग रहा था कि मैं अब जिंदा ही नहीं रहूंगी, लेकिन भगवान की कृपा से, संतोषी माँ की कृपा से अभी तक जिंदा हूँ और आप लोग के सामने हूँ। तो गाइस, आप सब लोग अपना प्यार दुलार आशीर्वाद देते रहिएगा, और जो मेरी
बीमारी का नाइजर फायदा उठाए हैं उसका भी धन्यवाद। आप किसी के साथ ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए वो मजबूर किया है मुझे, इसलिए मैं आज वीडियो बना रही हूँ। और मेरी हिम्मत नहीं है वीडियो बनाने की, पूरी हिम्मत ख़त्म हो गई है। डॉक्टर ने मना किया है कि अभी फ़ोन को अपने आप कभी ज़्यादा यूज मत करना, नहीं तो बीमारी आपकी बढ़ सकती है। बीमारी में पता नहीं क्या क्या है, मुझे खुद लोगों ने बताया नहीं, और इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें हुआ क्या है, मुझे कोई बताया ही नहीं। अब ये सब मुझे आता नहीं है मैं क्या बताऊँ इसमें क्या लिखा है, क्या बीमारी है, कुछ पता ही नहीं, कोई बताया ही नहीं मुझे हुआ क्या है। यहाँ तक डॉक्टर मना किया इसको बताना मत, तो मुझे ऐसा लगता है ना कुछ बड़ी बीमारी होगी जो मुझे बताने से लोग मना कर रहे हैं। तो गाइस आप सब लोग ऐसे ही बने रहिए, और फिर मिलते हैं अगर जिंदा रहेंगे तो। बाय।